नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रावत। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संसद से सेंसेक्स तक घमासान मचा है। जी हाँ, अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी है। 25 जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो धड़ल्ले से गिर चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की जो कमाई है वो भी बहुत कम हो गई। यही नतीजा है कि अडानी, गौतम अडानी जो 1 से 10 तक के बीच में अमीर व्यक्तियों में शुमार थे, वो अब 15 पायदान पर खिसक कर चले गए। तो मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी कंपनी है जो कंपनीज पर, बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज की, उनके शेयर्स की, उनके वही खातों की, उनकी बैलेंस शीट की, उन पर रिसर्च करती है। और सिर्फ भारत नहीं, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अमेरिका, चाइना और भी तमाम, कनाडा और भी तमाम जगहों के बड़ी बड़ी कंपनियों की रिसर्च की है। सबसे ज्यादा फेमस एक अमेरिकी ऑटो कंपनी की रिसर्च रही थी जो साल 2018 में की गई थी, जिसमें जिसके बाद रिसर्च के रिजल्ट आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर 80% तक लुढ़क गए थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च आखिरकार है क्या। ये अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बही खाते, उनके बैलेंस शीट की जांच करती है कि कहीं अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे, करप्शन जैसे काम तो नहीं हो रहे हैं, और कुछ टैक्स रिबेट के पीछे, टैक्स के पीछे छिपकर कंपनी को हेर फेर तो नहीं कर रही है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च, दरअसल ये नाम भी एक 1937 में जर्मन का एक युद्ध पोत था, उसमें उस घटना के दौरान काफी लोगों की मौत हो गई थी, जिसके आधार पर ये नाम लिया हुआ है। नेथन एंडरसन इसके संस्थापक है। उन्होंने बहुत सी कंपनीज की ऐसे रिसर्च की जिसमें स्टडी में पाया गया है कि कितनी हेरफेर की गई है। ऐसा ही उन्होंने गौतम अडानी ग्रुप के साथ भी किया, जिसमें उन्होंने 413 पन्नों की रिपोर्ट बनाई थी और कंक्लूजन में 88 प्रश्न थे, जिसके जवाब में अडानी ग्रुप की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है, अपनी सफाई भी उन्होंने दी, अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए अडानी ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया, स्टेटमेंट आया कि पहले तो कंपनी ने, जो हिंडन रिसर्च है, उसने कभी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी, और जो इन्होंने कहाँ से डेटा निकाला, ये सब कुछ डेटा गलत है। सीधे तौर पे ये अडानी ग्रुप को बदनाम करने के और बर्बाद करने के मकसद से किया जा रहा है। ये अडानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से दिया गया कि सदन में आज हंगामा बरपा था, इसको लेकर बहुत सारी पार्टी चाहती है, 13 पार्टी चाहती है कि इस पर चर्चा हो। लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, और कांग्रेस की ग्रुप में, कांग्रेस की अध्यक्षता, हमारा नेटवर्क दोबारा से रिस्टोर हो गया, तो कांग्रेस की अध्यक्षता में ये सारा विपक्ष एकजुट हो गया। विपक्ष सदन में बातचीत मांग रहा है, चाहता है इस मुद्दे पर चर्चा हो। जैसा कि पिछले कई सालों से राहुल गांधी खुद और कांग्रेस खुद, विपक्ष एज अ होल खुद पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर इल्जाम लगा चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि यह सरकार अडानी और अंबानी की है, और अडानी और अपने लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि पीएम मोदी अडानी और अंबानी जैसे जो उनके व्यापारी मित्र, उद्योगपति मित्र हैं, उनको ही सपोर्ट करते हैं, और उनकी गरीब जनता को इग्नोर करके अपने सिर्फ मित्रों को सपोर्ट करें, उनका समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसों के माध्यम से उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। और आज विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो गया और सदन में से इस पर चर्चा जाता है। कल ही बजट आया है, बहुत सारी पार्टियां जुड़ गई हैं, और इसको बजट से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है कि ये जो बजट लाया गया है, कहीं गौतम अडानी ग्रुप को बचाने के मकसद से तो नहीं लाया गया है। इसके अलावा भी तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी और संजय सिंह के अलावा तमाम विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI की तरफ से भी ये मांग की गई है, दोनों बैंकों की तरफ से, ICICI की तरफ से मांग की गई है कि अगर गौतम अडानी इस पर जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं तो वो भी प्रदर्शन करेंगे।
स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। अडानी खुद, उनको पिछले हफ्ते भर में काफ़ी नुकसान हुआ है, और बात करें पिछले 3 दिनों की तो अच्छा झेलना पड़ा है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप के अंडर में कुछ मुखौटा कंपनियां हैं जो यूएई, मॉरिशस वगैरह में चलती हैं, जिसकी आड़ में अडानी ग्रुप्स ने शेयर्स में, उनके जो भी शेयर्स हैं उसमें हेरा फेरी की है। उस हेर फेर और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते अडानी ग्रुप पर बहुत जरूरी हो जाता है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में इतना ज्यादा हेर फेर कैसे है। इसके अलावा अडानी ग्रुप को बैंकों ने लोन भी दिया था, वो लोन की के ऊपर भी बात की जा रही कि इतना ज्यादा लोन कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों से आता है। हम टैक्स अदा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स अदा करते हैं, वहीं उसी से जुड़कर लोन की एक बड़ी रकम तैयार होती है और कंपनीज को लोन के रूप में, कर्ज के रूप में प्रोवाइड की जाती है। वो लोन भी बैंकों को गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की तरफ से अदा नहीं किया गया है। और भी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सदन में, क्योंकि बजट का सत्र चल रहा है और इस मुद्दे पर दोनों सदनों में इसकी मांग हो रही है, दोनों सदनों में इसकी चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई है। और सेंसेक्स भी इस चलते लुढ़का हुआ है। कल भी बजट आते ही एक बार तो सेंसेक्स में उछाल हुई थी, स्टॉक मार्केट में उछाल देखी गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ये लुढ़क गया था। और केंद्र सरकार के बजट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ये बोला जा रहा है कि पीएम मोदी के जो मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, कहीं उन्हें बचाने की कोशिश तो सरकार नहीं कर रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 413 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रतिक्रिया के रूप में अडानी ग्रुप की तरफ से भेजी भी गई थी। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कोई भी तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है, इसका जिस तरह मिसमैनेजमेंट करके ये दिखाया गया है, इससे अडानी ग्रुप का तो कम से कम कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च में कहा गया है कि शेयर्स के साथ मिसमैनेजमेंट, ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप की तरफ से कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है। इसके अलावा जब अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि उन्हें चेतावनी दी गई, हिंडनबर्ग रिसर्च को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई, तो उस पर भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह, तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने साफ तौर पर कहा है कि जब अडानी ग्रुप की तरफ से कानूनी कार्रवाई की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास कानूनी कार्रवाई में जवाब देने के लिए लंबी लिस्ट तैयार है, लंबी सूची हमारे पास है, और हमारे पास सभी के सभी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमने हमारी जो भी रिसर्च तैयार की गई है वो बिल्कुल निराधार नहीं है, और साथ ही साथ को छोड़ दिया जाता है, यह अब आगे देखना होगा। और बहरहाल, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है।